इज्जत बचाने के लिए गर्लफ्रेंड की शादी करवा दिया और अभी डिप्रेशन हो गया। ये केस स्टडी मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं। क्या होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता जब बहुत गहराई में जाता है और एक दूसरे को कसम कसमे वादे होते हैं, कसम देते हैं साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, और जब बहुत गहरा रिश्ता हो जाता है और बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अभी ये जो मैं केस आपको बता रहा हूँ उसमें लड़के की उम्र करीब करीब 27 साल की होंगी और उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ में उसका अफेयर हुआ। वो जो लड़की थी वो उससे, मतलब जो लड़का बोलता है उससे कम वाले स्टेटस की थी, कम वाले जात की थी इसके मुताबिक। और फिर वो बोलता था कि भाई ये शादी मैं कर सकूंगा नहीं, पता नहीं क्या होगा। मगर उनका काफ़ी प्यार था और उन्होंने सच मुझे सोच लिया था कि भाई अपने को शादी करना है। मगर घर से नहीं बोलेंगे, घर से बोलेंगे नहीं नहीं वो छोटे जाति की है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अपने से कम है तो अपने को चलेंगे नहीं, ऐसा घर वाले बोल रहे थे। तो लड़की बोल रही थी नहीं ऐसा करो, हमको तो शादी करनी है, हम भाग जाएंगे, मेरे को तो आपसे शादी करनी है और हम भाग जाएंगे। तो नहीं भाग गए तो फिर इज्जत का क्या होगा, पेरेंट्स की इज्जत का क्या होगा, अपने स्टेटस से नीचे लड़की की शादी कर लिया, नीचे जात वाले लड़की की शादी कर लिया, लोग क्या कहेंगे। तो उसमें फिर वो भाग भी नहीं सका। अच्छा लड़की बोल रही कि अभी मेरी शादी फिर तय कर लेंगे मेरे माँ बाप। तो बोले ठीक है, अभी उसने बड़े दिल से हेवीनेस ऑफ माइंड कि भाई ठीक है तो अब शादी कर ले। तो उसकी फिर शादी उसने पक्की कर ले, क्योंकि शादी करने को ये तैयार नहीं था। प्यार तो बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार, शादी कर लिया। मगर उसने ये भी बोला कि तू शादी कर ले मगर अभी जो मैंने तेरे को मोबाइल दिया था प्रेजेंट, तो वो भी मेरे को वापस दे दे, कि मोबाइल दिखा, पुराना कार्ड भी मत रख, क्योंकि वो वहाँ जाने के बाद में यदि उनको शक आ गया, कभी मेरा फ़ोन आ गया, तूने फ़ोन किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वहाँ जाके अभी मेरे से बात मत कर, फ़ोन मत कर। तो ऐसा करके उसको उसकी विदाई कर दिया, शादी कर दिया, हाँ शादी को बोला। अभी शादी होने के बाद में अभी 15 दिन 20 दिन हो गए, अभी उसके साथ में बातचीत नहीं हो रही, उसका दिल लक 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 कर रहा है, बात करने के लिए बहुत मन कर रहा है मगर उसका नंबर नहीं है, उसके पास में मोबाइल नहीं है। और उसने भी उसको बोला था कि तू बात मत कर क्योंकि कभी शक आ गया वो लोगों को तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएंगी, इसका प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी बहुत रोना आ रहा है कि भाई मैंने बहुत गलती कर लिया, मैंने उसको हाँ क्यों बोला, मैंने शादी करने के लिए उसको हाँ बोलना नहीं चाहिए था, मैं शादी कर लेता था, भाग के जाते थे तो अच्छा रहता था। अभी तो उसको लग रहा है कि अभी जीना ही खराब है, मैं जी नहीं सकता उसके सिवा। मतलब बोले एक 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 दिन तो मेरा ऐसा जा रहा है कि एक एक साल जैसा लग रहा है। तो ये जो केस उन्होंने बता दिया कि उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ क्या है ना। तो ये अफेयर जब था तो इज्जत बचाने के लिए उसने शादी कर लिया कि नहीं अपने घर की दार की इज्जत बचाना है करके। और फिर अभी तो विचार आ रहा है कि बस अभी नदी में कूद जाऊं और मर जाना चाहिए। और उसने कॉल भी नहीं किया, उसको लगता है कि उसको मैंने ऐसा बोला ही क्योंकि भाई कॉल मत कर। फिर अभी क्या कर रहा है, ये अभी शराब पी रहा है, कुछ गोलियां मिल गई तो गोलियां ज्यादा खा लिया, काम में मन नहीं, बार बार खुदकुशी के विचार आते हैं, बार बार रोना आ रहा है, जीवन में ऐसा कुछ बचा नहीं ऐसा लग रहा है। उसको लगता है कि मैंने किया ही क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने, किसको बता नहीं सक रहा है, उसके साथ में बातचीत नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि जो जिसके वहां मतलब शादी हुई है वो गांव को जाओ और उसको वहां से भगा के लेके आ जाओ। मतलब ऐसा उसको दिल कर रहा है कि वहां से उसको भगा के लेके आना, उसको बोलना चल आ जाएंगे, बोले वो कभी। मतलब अभी तू ऐसा कैसा कर रहा है, तूने हाँ बोला हुआ है, बोले हाँ मेरे को समझ रहा है सब, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि बस अभी मैंने मरना ही चाहिए। मैंने बोला भाई अभी ये तो कभी भी सुसाइड कर सकता है लड़का, मतलब बार बार खुदकुशी के विचार, बार बार खुदकुशी के बारे में बोल रहा है। बोले भाई तुम अकेले आए, आपके माँ बाप को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मेरे को आपके माँ बाप का नंबर दो। तो फिर मैंने उनके माँ बाप को कांटेक्ट किया, मतलब भाई इसका ये मेरे पास में अकेला आया हुआ लड़का है, बोलता कि नहीं ये ऐसा करना है, अभी इसका क्या करेंगे, ये खुदकुशी कर लेगा, कुछ कम ज़्यादा कर लेगा तो क्या करने। उनके उनको हवाले कर दिया, बोले नहीं ठीक है हम देखते हैं, बोले संभाल लेंगे ऐसा वैसा। मतलब नहीं ऐसा जमता नहीं, उसको अपने को इलाज करना पड़ेगा, ये बहुत बहक जैसा बहकी बहकी बातें कर रहा है, अभी बहक गया हुआ है। और वो बोलता है कि बस उसके पास में जाके उसको भगा के लेके जाऊँ। तो ऐसा होते रहता है। क्या है कि शादी के पहले यदि आप बहुत ही इमोशनली इन्वॉल्व हैं, कस्मे वादे बिल्कुल कि नहीं साथ में जाएंगे, साथ में मरेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और स्पेशली जब सेक्स हुआ रहता है तो बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि बाद में जीना उनको मुश्किल हो जाता है। बोले पता नहीं वो क्या हालत में होंगी,
मैं यदि इतनी बुरी हालत में हूं, उसका हालत कैसा होगा? मुझे कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि उसका हालत, मतलब कौन से कठिनाई में होंगे वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, वो भी कैसा जी रहे होंगे, वो जीवित है कि मृत है वो मालूम नहीं है, वो भी खुदकुशी कर सकती है, इतना मतलब उसको ऐसा लग रहा है। तो ऐसे इसमें फिर क्या है कि पहले से यदि हमको मालूम है कि भाई हम नहीं कर सकते हैं शादी, ये हमारा कास्ट का डिफरेंस है, घर से विरोध हो जाएगा, तो मेरे को ये बच्चों को कहना है कि भाई पहले से हमने एक लिमिट तक ही दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि आप लिमिट के बाहर निकल जाते हैं और बाद में फिर वो ब्रेकअप हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। कितने सारे लड़के ऐसे हैं कि जो यंग एज में खुदकुशी कर लेते हैं और फिर कारण रहता है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संभल नहीं सकते हैं। अभी एक मेरे पास में लड़की अभी आई थी, उसका बॉयफ्रेंड था, उसने बॉयफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली, इसको डिप्रेशन आ गया। अभी देखो इसको डिप्रेशन आ गया मतलब उसने खुदकुशी क्यों किया, तो उसका और कोई प्रॉब्लम था, ये लड़की ने हाँ ना बोला वो नहीं था, उसको कुछ प्रॉब्लम थे उसके लाइफ में, तो माँ बाप के साथ में कुछ झंझट झगड़ा हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसलिए उसने खुदकुशी कर लिया और इसको शौक बढ़ गया, क्योंकि उसके साथ में शादी करने का सोचा था, शादी तय होने वाली थी, एंगेजमेंट होने वाला था, और उसको तो एकदम शौक बढ़ गया, पागल जैसे करने लगी, उसको एडमिट करना पड़ा मेरे यहाँ। तो ऐसे इसमें डिप्रेशन काफी आ जाता है। तो पहले से हमने लिमिट बांध के ही काम करना है। अब यदि लिमिट बांध के काम नहीं करते हैं, एक लिमिट तक ही अपना रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वीडियो सभी नौजवान युवक युवतियों को शेयर करो, ताकि उनको जो फेस कर रहे हैं वो बाद में कुछ कम ज्यादा होने के पहले ही एक लिमिट तक ही अपने अफेयर में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।